दोस्तों, अगर आप भी गदर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गदर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई ये, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है।
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो
दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछले फिल्म के चुन्नी दो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल
भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वहाँ तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुँचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा
इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा,
नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो
इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गदर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गदर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है।
हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था।
उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरीश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वहाँ तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुँचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी।
मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहाँ 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है।
आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई।
गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी गदर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गदर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है।
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो
दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछले फिल्म के चुनी दो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल
भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वहां तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को
जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा,
नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो
इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गदर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गदर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है।
हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था।
उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछली फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए,
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहाँ 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है।
आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ
तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी गदर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गदर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है।
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों, इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेशपुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए
तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ को पिछली फिल्म के चुनिंदो फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल
भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा, नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास, और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा
इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहाँ 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नज़र आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी ज़ोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी गद्दर 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दर 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर देखने को मिलेगी, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 23 मार्च 2018 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी गद्दर 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अनिल शर्मा, रमाकांत प्रसाद, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 83% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी देओल, सिमरत कौर रंधावा, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल, मनीषा वधवा, गौरव चोपड़ा,
नाना पाटेकर, डाली बिंद्रा, लव सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 60 करोड़ के आसपास और दोस्तों इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है 600 करोड़ से भी ज़्यादा का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने दोस्तों 600 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को G5 के ऐप पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो फिल्म गद्दर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वहीं गद्दर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेल कर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गद्दर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते उत्कर्ष शर्मा भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल मनीष वाधवा इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट में 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली अमरेश पुरी को तो फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है, जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वे इसमें कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी ही पड़ेगी। मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू की। तो फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज को पिछले फिल्म के चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गद्दर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और जबरदस्त खींचा हुआ लगता है, इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंटरवल से पहले कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। इंटरवल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं, वही फिल्म का क्लाइमेक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गद्दर 2 में खूबसूरती से गद्दर की यादों को पिरोया है, जिनसे दर्शकों इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी G5 के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को G5 के ऊपर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।